शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा में कई संशोधित विधेयक पेश किए गए तो वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल चालू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही लोकसभा को 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन हंगामे के बाद दोनों ही सदनों में कार्यवाही शांतिपूर्वक चल रही है। एक तरफ लोकसभा में सरकार ने कई बिल पेश किए तो वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू है। इस दौरान विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं तो वहीं रेलवे भर्ती को लेकर भी बहस चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाले हुए हैं। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिषद में ही शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। सांसद जी ने जो पॉइंट रेज किया है, आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवे अ डीप सेंस ऑफ थैंक्स फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन द वे ही कंडक्टेड द एंटायर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एंड complete coordination between the defense ministry, home ministry and the state government of Manipur. That entire tragic incident was handled in a very sensitive manner. It was unfortunate incident in which a massive landslide suddenly occurred in the early morning hours, but the entire system including the state and central government all combined together and provided the right relief and disaster relief measures at that point of time, and we are still whatever other measures are required for stabilizing the slope, sir. The reason was that a large pool of water got collected on the top of